सो हेलो हाय हाउ आर यू हाउ डू यू डू केम छो मेरे भाई लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम भी जा रहे हैं मतलब एक डेस्टिनेशन फाइनल किया हमने दमन। तो अपने घर से आधा पौना घंटे का है, 30-35 किलोमीटर दूर है। तो सूरत से वो लोग दमन आ रहे घूमने के लिए और हम लोग यहाँ से उमरगांव से दमन जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, व्लॉग बनाएंगे और मजा करेंगे। तो बस अभी रास्ते में ही है और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। अभी फिलहाल हम कोस्टल हाईवे पहुंच चुके हैं, घर से करीब करीब समझो 5-7 किलोमीटर हम लोग निकल चुके हैं। अभी और अपने को 25-30 किलोमीटर और जाना है, तो बस हम रास्ते में ही है। तो बस अब जल्दी से पहुंचते हैं दमन और मजे करते हैं, तब तक आप रोड के मजे लो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके थे, ये फेमस जगह है एकदम, यहाँ के समोसे बहुत फेमस है। तो मेरे को यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं हमेशा। अभी रेडी हो रहे गर्मा गर्म, कभी खाते हुए जाएंगे और मज़ा करेंगे। बहुत ही प्यारा रूट है अपना। यहाँ पे कोको को भी स्मेल आ गई है और गर्म गर्म समोसे आ गए हैं, इसके फेवरेट है मोस्ट ऑफ। तो इसको चाइनीज समोसे बहुत पसंद है। ये जो रूट है ना, ये पूरे एशिया का सबसे लंबा कोस्टल रूट है। तो यहाँ पे कैसा है, ये जस्ट साइड में जो रोड जा रहे हैं ना, हर जगह पे बीच ही बीच है दमन तक पूरा। कम से कम नहीं तो रास्ते में 10-12 बीच आते हैं, लेकिन हम जाएंगे दमन। तो बस अब निकलते हैं, सेल्फ मारते हैं गाड़ी को और गर्मी भी बहुत हो रही है अभी। अच्छा, ये यहाँ का मोस्ट फेमस फोटोग्राफी स्पॉट है, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए लोग बहुत आते हैं। ये पूरा मतलब सिंगाड़ा, फिर सुबह में वो नाश्ते में खाते क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ये होते, उसका पूरा फार्मिंग होता है यहाँ पे, लोटस का। अरे नाश्ते में वो डाइट में खाते हैं क्या बोलते हैं उसको, अच्छा है, मखाने। हाँ मखाने, मखाने यहाँ पे मतलब फार्मिंग होती है। बहुत ही प्यारा सीन है। सो फाइनली गाइज हम लोग दमन एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे रोड का थोड़ा डामाडोल है, बीच बीच में बहुत खड्डे हैं और हमें पहुँचने की थोड़ी जल्दी है, लेट हो गया है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे साले साहब के, अरे तेरी ये देखो ऐसा करते हैं लोग। एक्चुअली आज ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा पीने खाने वालों की छुट्टी है और थोड़ा डर डर के चलाना पड़ता है गाड़ी, अपनी गलती हो ना हो ठोक देते। वैसे तो लोग काफ़ी रोड में लाइन से चला रहे, ये देखो ये देखो, अब क्या बोले इनको। ये तो बाय चांस ठीक है अपना वीडियो चालू था, नहीं तो साला ठोक ही देता है अपने। पीछे भी अपने फॉर्च्यूनर आ रही है, वो भी अभी घुस जाता अपने में। साले कुछ लोग सोचते नहीं है, हम तो निकल जाते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते क्या मालूम। सो फाइनली ये लोग मिल गए अभी और जस्ट अपने आगे आगे ही चल रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कोई मतलब जंपर बीच वगैरह कहीं पे, उसने साइड में ही लगाई है गाड़ी, देखते भी क्या होता है। आगे चलो, जाने दो आगे इसका। तेरे को हटवाना नहीं चाहिए, अरे मैं पानी पी लूं। ये क्या करने का इसका, ये मम्मी को मारने का है। देखो हमसे नहीं मिल रहे लोग, लेकिन आके पहले कोको से मिल रहे, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिलहाल हो रहा है अभी हमारे नाश्ते का टाइम, पीछे लग चुका है दस्तरखान और यहाँ देख रहे हो दो भाई को, वो जन्नत में चले गए, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लगाए दो पैक और सो गए हैं। तो मजे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हमारे आगे आसपास में भी बहुत लोग हैं ऐसे। तो हमने ये थोड़ा सा गार्डन टाइप का एक जगह था जहाँ पे जो नाश्ता हमने रास्ते में लिया था वो, और कुछ मेरे सास ससुर लेके आए और कुछ हमने घर से भी लिया था। तो बस थोड़ी देर खाते और फिर घुमाते घूमते मज़े करते। अभी नाश्ता वास्ता करके एकदम मज़ा आ गया, मौज मौज में ज़्यादा खा लिया एक्चुअली। पीछे का व्यू चेक करें यार, बहुत ही बढ़िया। पीछे ही मेरा एग्जैक्ट बीच है, थोड़ा पानी दूर चला गया। मौसम बढ़िया होने के बाद भी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और पीछे देखो सब बच्चों की एक्टिविटीज़ थी पीछे, और उसके पीछे था फूड स्टॉल वगैरह।
बाल से देख लो आप, ये क्या भीगे हुए बाल है पूरे पसीने से। ऐसा मौसम ठीक है उतना, मतलब ये नहीं है, लेकिन पब्लिक इतना है ना तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी पीछे गेम्स थी सांप सीढ़ी जैसा, तो बड़े बड़े मतलब ये लगाए हुए हैं पीछे देखो, यहाँ पे जैसे मेरे पीछे है लूडो, तो बढ़िया है यहाँ पे लूडो भी दिख रहा है, लूडो खेल रहे सब, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, जो आ रहा है नाइस फेंक रहा है, खेल रहा है, जा रहा है ऐसा ही। यहाँ पे कोको की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मैं बताता हूँ, जो भी आता है जाता है आसपास से ना कोको को एक बार तो देखता ही है। पीछे कोको है और उसके आसपास देखो हमेशा दो तीन जन लगे हुए ही है, तो हमें कोई देखे ना देखे ऐसे हमें क्यों ही देखेंगे लोग, लेकिन कोको की फैन फॉलोइंग मानना पड़ेगा, सब लोगों की नज़र एक बार कोको पे है ही। सामने पीछे कोको है, खुलेआम घूम रहा है कोको और सब लोग खेल रहे हैं उसके साथ। लुक एट दिस, सामने वो जो वाइट वाली भाभी है मैडम है, उसकी भी नज़र देखो कोको पे है। कोको को बहुत आज फैन फॉलोइंग मिला है। ज्ञान किधर है? खत्म खत्म हो गई कहानी, जाओ। गाइस फिलहाल अभी अपना हो गया पूरा देख के, लाइट कम है यहाँ पे और ये है पीछे मेरे देव का बीच। पब्लिक देखे आज, भीड़ जबरदस्त है ना, और नाइट व्यू जबरदस्त है यहाँ का। लाइट लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा एडजस्ट करना, मैं खुद जुगाड़ करता हूँ, एक्चुअली मेरा बैटरी भी लो है फोन का। कॉपी कर रहा है और बोलता है कौन जीतता है, हाँ लंगड़ाते लंगड़ाते। फिलहाल हम लोग ने हमारी गाड़ी रख दी है पीछे पार्किंग में, और सामने की साइड में ही है दुबई मार्केट पूरा पीछे। अपना मेरा साला लेके आ रहा है गाड़ी, तो उसको भी यहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे। वो थोड़ा रास्ता भटक गया था तो वो दूसरे रास्ते से आ रहा है और मैं शॉर्टकट लेके आ गया यहाँ पे। तो पीछे बहुत ही बड़ा पार्किंग है, 3 स्टोरी का ही है, अच्छा फैसिलिटी है, 1 घंटे का 20 रुपया है, तो मतलब वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मतलब पार्किंग ढूंढना मतलब एकदम मिट्टी में सोना ढूंढने बराबर है। तो देखते हैं, अभी सामने दुबई मार्केट में घूमने जाना है हम लोग को, वेट कर रहा हूँ वो आएगा, पार्किंग में लगाएंगे और फिर अभी दुबई मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को। एकदम नीचे से वीडियो क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि आईफोन का बैटरी लो हो गया। मस्त तो यूनिक चीज है यहाँ पे। पहले दमन का मॉनसून फेस्टिवल, उसके बाद दुबई मार्केट और अभी मंडे मार्केट भाई। तो लेडीज़ के साथ भाई कभी नहीं आने का यार, हालत देख रहा, आज एक ही दिन में मेरी 5-6 किलो कम कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे, हालत ख़राब कर दी है। एक फ़ोन का बैटरी डेड हो गया है पूरा, मतलब उसका स्टोरेज फुल हो गया है। अभी दूसरे फ़ोन से, ये मैं ओप्पो के फ़ोन से करना पड़ रहा है, अभी इसका क्वालिटी कैसा आएगा कैसा नहीं पता नहीं। देखो फिर शॉपिंग के लिए रुक गए लोग, तो क्या बोलो भगवान, कंटा लिया।
देखते हैं कहाँ एंड होता है आज ये लोग का शॉपिंग। और मुझे लगता है व्लॉग आज एक आध घंटे का बनेगा, दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। मार्केट से कंटाल के अभी आए हैं। देखो आप लोग को मालूम ही है, दमन आए और ये नवरंग पानीपुरी वाले के पास ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिलहाल भीड़ चेक करें, भाई के पास एकदम लाली लाली, कहीं यहाँ रेड ना पड़ जाए। अभी फिलहाल बस पानीपुरी ट्राई करते हैं और भीड़ बहुत है यहाँ पे, तो बस अपनी बारी आ जाए, फटाफट खाए और निकले यहाँ से। अभी भी कोको की डिमांड जारी है भाई, हमको जलन हो रही है। आज कम से कम 100-150 जन कोको को मिले होंगे, पता नहीं क्या है साले में, लेकिन कोको कोको हो रहा है भाई साहब। मेरे कोको बनना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे बनना है कोको नहीं अजूत आई भाई, जबरदस्त भाई। अभी इतना थक गए, पानीपुरी खाए अपनी फेवरेट जगह पे, भीड़ थी तो कोई व्लॉग नहीं बना। अभी फिलहाल हम लोग खाना खाने आए ये होटल में, दमन में। एक तो अपनी जो फेवरेट होटल है वो बंद थी, तो अभी दमन सूरती करके एक है होटल, देवका बीच पे ही है, तो वहीं पे आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चिकन मटन फिश जो भी मिला खा लेंगे और फटाफट निकलेंगे यहाँ से, बहुत लेट हो गया। निकल गए हम लोग खाना खा के, मौज मौज में ज़्यादा खा लिया और थोड़ा टेस्टी भी था, मच्छी वच्छी थी, चिकन था और दबा के खाया। अभी निकल रहे फिलहाल हम लोग घर की तरफ, और रास्ता बहुत ही प्यारा है। मैं बताता हूँ, जो रास्ते से हम आए थे ना तब कुछ अलग नज़ारा था और अभी जाते हुए कुछ और नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली क्या हो गया, कल हम लोग बहुत थक गए थे और आज है नेक्स्ट डे, तो इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग किया। अब कल क्या हुआ, हम लोग रास्ते में निकल गए थे, लास्ट सीन आपने देखा दमन के ब्रिज पे से हम लोग निकल रहे, उसके बाद इतना थक गए थे और दोनों फ़ोन की बैटरी डेड थी, तो घर गया, खाना खाए, सो गए थोड़ा बहुत, मतलब भूख लगी थी तो नाश्ता वास्ता किए, बातें किए, सो गए। सुबह में बहुत लेट उठे, फिर प्लान हुआ बीच पे आने का, और मेरे सास ससुर साथ में ही आ गए थे सब लोग, तो रात को सोए थे हम अपने ही घर पे। फिलहाल अभी आए हैं हम लोग बीच पे, देखो कितना ही सुंदर बीच है, एकदम क्लीन बीच है, थोड़ा सा पीछे गंदा है, ये अपनी ही करामत है, हम इंसान ही गंदा करते, बाकी कुदरत ये है, ये इतना क्लीन और इतना प्यारा नज़ारा सिर्फ कुदरत बना सकता है, हम सिर्फ गंदा कर सकते हैं। तो बस बात वही है, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई आए तो प्लीज़ कचरा मत डालो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम भी नहीं फैलाएंगे, आप भी मत फैलाओ। बाकी देखो इतना सुकून है, ये पानी का आवाज़ सुनने के लिए लोग आते, मैं तो यहाँ पे काफ़ी बार आता हूँ, एक एक घंटा बैठता हूँ, और देखो पीछे रील बना रहे लोग, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली है, जहाँ तक नज़र जा रही है कोई नहीं है, ये प्राइवेट बीच बोल सकते हो एक तरह से। ये उमरगांव का थर्ड बीच है, किसी को ना पता हो तो बोल दूँ, ये है एग्जैक्ट वृंदावन स्टूडियो के सामने। यहाँ पे वीकडेज पे आपको जैसे सैटरडे संडे हो गया थोड़ा बहुत पब्लिक मिलेगा, बाकी में कोई नहीं, तो आप अगर शूट करना चाहो या कोई रील्स या व्लॉग बनाना चाहो तो यहाँ आराम से आ सकते हो, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और व्यू भी बहुत मस्त आएगा। देख रहे हो वीडियो में भी कितना मस्त दिख रहा है, बहुत सुकून वाली जगह है, चेक करें। पीछे से आवाज़ बहुत बेहतरीन आ रही है, ये जो पीछे से ये आ रहे क्या बोलते हैं, लहर लहर, तो उसका आवाज़ सुन के इतना सुकून मिलता है ना कि मज़ा आ जाता है। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, थोड़ा थक गए हैं, आज दूसरा दिन था वो भी ख़त्म हो गया। थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, हमारा जो बीच में ब्लॉग बना था वो सेव नहीं हुआ, डिलीट हो गया, पता नहीं फ़ोन में क्या इशू आया है। बीच बीच में मैंने ब्लॉग बनाया था लेकिन वो सारा सेव नहीं हुआ है, मुझे कुछ इशू लग रहा है, फ़ोन बार बार स्विच ऑफ भी हो रहा है अपना और कोई कोई वीडियो सेव नहीं हो रहा है, तो देखते मे भी क्या इशू है। अब खुद मोबाइल वाले हैं लेकिन उसको देखना तो पड़ेगा है ना,
तो कल देखेंगे इसको, ठीक करेंगे। लेकिन ये वाला वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो ये वीडियो में या इससे अगले वाले पार्ट में, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब में बांटो, फैलाओ और लाइक बटन पे घुसा ढूंढो। बाय बाय।